Welcome back, class 3. So today we are going to continue with our maths labels. So take out your maths book and come to page number 12, students. So let's start with question number 20, which is add. So in this question, students, we have to just simply add the following. हम लोगों को इसमें addition करना है, इनमें हमें जोड़ना है numbers को, ठीक है? So let's start. I am starting with the A part, ठीक है? 129 प्लस 64, तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से, यानी कि यहाँ वाले नंबर से. 9 प्लस 4, 13, 1 गया कैरी ओवर में. 2 प्लस 6, 8, प्लस 1, 9, ठीक है? और यहाँ पे 1 के साथ 1 रहा, तो ये बन गया 193. Then let's do the second question. 410 प्लस 291, तो 0 प्लस 1 क्या होता है बच्चों? 1, वेरी गुड, ठीक है? फिर 1 प्लस 9, 10, 10 का 0 लिखेंगे और 1 कैरी ओवर. देन 4 प्लस 2, 6 प्लस 1, 7, तो ये बन गया 701. लेट्स डू द एफ पार्ट. 29 प्लस 856, तो 9 और 6 को ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 15, 1 गया कैरी ओवर में. 2 प्लस 5, 7 प्लस 1, 8, और यहाँ पे 8 एज इट इज आ गया, तो ये बन गया 885. देन कमिंग टू जे पार्ट. 217 प्लस 118, तो 7 प्लस 8 बच्चों, 15, वेरी गुड, और 1 गया कैरी ओवर में. 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3, और यहाँ पे 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, तो ये बन गया 335. देन कमिंग टू 110 प्लस 21 प्लस 9, तो पहले हम ऐड करेंगे 1 प्लस 9 यानी 10, 1 गया कैरी ओवर में. 1 प्लस 2, 3, और फिर प्लस 1, 4, और यहाँ पे 1 एज इट इज आ गया 1, यानी ये बन गया 140. फिर हम करेंगे ओ पार्ट. 437 प्लस 156 प्लस 291, तो इसमें बच्चों तीनों लेवल पे 3 डिजिट के नंबर है, तो आपको इसको देख के डरना नहीं है, ये बहुत इजी होता है. पहले हम जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे. 7, 6 और 1 को प्लस करेंगे, यानी कि पहले आप करो 7 और 6 को प्लस, कितना हुआ बच्चों? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और प्लस 1, 14, तो यहाँ पे 14 और 1 कैरी ओवर. फिर 10, 15, 18, यहाँ पे हो गया 18, 1 कैरी ओवर. फिर 4 प्लस 1, 5 प्लस 2, 7 प्लस 1, 8, तो 884. फिर करेंगे हम पी पार्ट, उसमें बच्चों 109 प्लस 25 प्लस 127, तो 9 प्लस 5 प्लस 7 कितना हुआ बच्चों? 21, ठीक है? तो 1 यहाँ पे हुआ 2 कैरी ओवर में, तो 0 प्लस 2, 2, 2 प्लस 2, 4, 4 प्लस 2, 6. कभी भी जो नंबर आपको कैरी ओवर पे उसे ऐड करना नहीं भूलना, ठीक है? यहाँ पे 1 प्लस 1, 2, तो ये हो गया 261. फिर एक और क्वेश्चन करेंगे टी पार्ट. 49 प्लस 127 प्लस 334, यानी कि 9 प्लस 7 प्लस 4 इक्वल्स टू 20. ओके स्टूडेंट्स, तो 2 गया कैरी ओवर में. 4 प्लस 2, 6, 6 प्लस 3, 9, 9 प्लस 2, 11, तो गया 1 कैरी ओवर में. 1 प्लस 3, 4 और 5, ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 20 में से सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, जी पार्ट, एच, आई, एल, एम, एन, क्यू, आर, एस, यानी कि जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसके अलावा जो क्वेश्चन इसमें से हैं वो आपको अपनी बुक में एज अ होमवर्क करना है, ठीक है? सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 21. अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड. तो हम लोगों ने बच्चों अभी कैसे किया, ये हम लोगों को ऑलरेडी अरेंज करके क्वेश्चन मिला हुआ था और हमने उसको सिंपली ऐड किया. अब हमें इस क्वेश्चन में पहले अरेंज करना है, उसके बाद ऐड करना है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट. 123
प्लस 456 प्लस 29, यानी पहले हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी 123 प्लस 456 प्लस 29, और फिर कुछ नहीं करना, सिंपली जैसे हम ऊपर ऐड कर रहे थे हमें ऐड कर देना है। तो करते हैं, 3 प्लस 6 प्लस 9 इक्वल्स टू 18, 1 गया कैरी ओवर में, फिर 2 प्लस 5 7 8 9 और ये 1 10, तो 0 और 1 कैरी ओवर में, 1 प्लस 4 5 और ये 6। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका ए पार्ट। अब करेंगे हम बी पार्ट। 819 प्लस 110 प्लस 75, तो दैट विल बी, हम उसे कैसे लिखेंगे, 819 110 प्लस 75, तो हम उसको ऐड करेंगे, 9 प्लस 0 9 प्लस 5 14, 1 कैरी ओवर में, 1 प्लस 1 2 प्लस 7 9 और प्लस 1 10, तो 0 आया और यहाँ पे 1 कैरी ओवर में। ठीक है, फिर 8 प्लस 1 9 9 प्लस 1 10, तो ये हो गया आपका 1004। ठीक है स्टूडेंट्स, देन उसके बाद आते हैं हम एफ पार्ट पे। 217 प्लस 45 प्लस 630, उसको भी हम अरेंज कर लेंगे, 217 प्लस 630 प्लस 45, और फिर उसका क्या होगा, 7 प्लस 0 7 प्लस 5 12, 1 कैरी ओवर में, 1 प्लस 3 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 और यहाँ पे है 2 प्लस 6 यानी 8। ठीक है बच्चों, देन कमिंग टू एच पार्ट। 717 प्लस 89 प्लस 170, तो इसको भी अरेंज कर लेंगे हम, 717 89 प्लस 170, 7 प्लस 9 16 प्लस 0 16 16 1 कैरी ओवर, 1 प्लस 8 9 प्लस 9 प्लस 1 10 17, ठीक है 1 कैरी ओवर, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, तो ये हो गया 976। अब स्टूडेंट्स पार्ट बी सी ई एंड जी आपको होमवर्क करना है, मैं रिपीट करती हूँ, बी सी ई एंड जी होमवर्क इन योर बुक इटसेल्फ। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22 विच इज सब्ट्रैक्ट। अभी हमने यहाँ पे एडिशन किया, हमने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। 125 माइनस 104, तो बच्चों यहाँ पे होगा 5 में से 4 गया 1, 2 में से 0 गया 2 और 1 में से 1 गया 0, तो ये हो गया आंसर 21। ठीक है, अब हम करेंगे ई पार्ट। 210 माइनस 102, तो यानी 0 है, हमें कैरी ओवर हमें एक लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो 10 माइनस 2 इज 8, अब यहाँ पे 0 में से 0 गया 0 और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1, यानी ये हो गया आपका 108, ये हो गया आपका 108। ठीक है, देन कमिंग टू एफ पार्ट। 619 प्लस 405, यानी 9 में से 5 गया 4, 1 में से 0 गया 1, 6 में से 4 गया 2। नाउ कमिंग टू जे पार्ट। 865 माइनस 150, यानी इस 5 माइनस 0 इज 5, 6 माइनस 5 इज 1 एंड 8 माइनस 1 इज 7, तो ये बन गया 715। देन कमिंग टू के पार्ट। 350 माइनस 290, 0 में से 0 माइनस किया बच्चों 0, अब 5 में से 9 माइनस हो सकता है, नहीं, तो यहाँ से हम एक ले लेंगे यानी ये 15, 15 में से 9 गया बच्चों 6 और 2 में से 2 गया 0, तो ये हो गया आंसर 60। देन कमिंग टू ओ पार्ट। 826 माइनस 460, तो 6 में से 0 गया 6, अब 2 में से 6 जा सकता है, नहीं, तो हम यहाँ से एक नंबर ले लेंगे, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 12, 12 में से 6 गए 6, 7 में से 4 गए 3, तो ये हो गया
366. Then coming to question number P, 845 minus 607. अब 5 में से 7 जा सकता है? नहीं, तो यहाँ से हम एक नंबर ले लेंगे. ये हो जाएगा 4 की जगह 3, ये हो जाएगा 15. 15 माइनस 7 इज 8, 3 माइनस 0 इज 3, 8 माइनस 6 इज 2, तो ये हो गया 238. देन उसके बाद लास्ट टी क्वेश्चन क्या है, 625 माइनस 461. 5 में से 1 गया 4, 2 में से 6 कट सकते हैं? नहीं, तो हम उससे एक नंबर ले लेंगे. ये हो जाएगा 6 की जगह 5, ये हो जाएगा 12. 12 माइनस 6 इज 6, 5 में से 4 गया 1, तो ये आपका हो गया 164. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये करना समझ आया होगा. सो अब आपको बी सी डी जी एच आई एल एम एन क्यू आर एस ये सारे क्वेश्चन बुक में एज अ होमवर्क कंप्लीट करने हैं, ठीक है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23 विच इज ऑन पेज नंबर 13. अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट. अभी हमने अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड किया था, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, जैसे हमने ऐड किया था बच्चों ऐसे ही हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट. सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 651 माइनस 394. तो इसको हमें अरेंज करना है. तो जो बच्चों पहला नंबर है उसे ऊपर लिखेंगे, जो दूसरा नंबर है उसे हम नीचे लिखेंगे. ये आप ध्यान रखेंगे बात. तो 651 माइनस 394, अब हम माइनस करेंगे, ठीक है. 1 में से 4 माइनस हो सकता है? नहीं, तो 5 में से हम एक नंबर ले लेंगे, 11. 11 में से 4 माइनस करेंगे बच्चों आएगा 7. वेरी गुड. अब 4 में से 9 माइनस होगा? नहीं, तो हम एक नंबर ले लेंगे, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 14. 14 में से 9 गया तो बचा 5. अब 5 में से 3 गया तो 2, तो ये हो गया 257. नाउ कमिंग टू पार्ट सी, 515 माइनस 83. हम अरेंज करेंगे पहला नंबर ऊपर दूसरा नंबर नीचे. तो 515 माइनस 83, 5 में से 3 गया 2. अब 1 में से 8 जा सकता है? नहीं, तो हम यहाँ से एक नंबर ले लेंगे. 11 में से 8 गया 3. 4 में से कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये हो गया 432. अब ई पार्ट पे आ जाते हैं, 297 माइनस 107. तो 297 माइनस 107, 7 में से 7 गया 0, 9 में से 0 तो 9 बचा, 2 में से 1 गया तो बचा 1, तो ये बन गया 190. अब एच वाला देख लेते हैं, 956 माइनस 562. तो 956 माइनस 562, 6 में से 2 गया 4. अब 5 में से 6 ले सकते हैं? नहीं, तो ये हो जाएगा, यहाँ से हमने 9 से एक नंबर ले लिया, वो हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा 15. 15 में से 6 गए तो बचा 9, 8 में से 5 गया तो बचा 3, तो ये हो गया 394. तो अब बच्चों आपको करना है बी डी एफ जी आई. अपने होमवर्क में मैं आपको अब आपका होमवर्क रिपीट कर देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 20 जो थी एडिशन वाला, उसमें आपको करना है पार्ट सी डी ई जी एच आई एल एम एन क्यू आर एस होमवर्क. बच्चों आप ये होमवर्क अपनी बुक में या फिर आप रफ नोटबुक में किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है. ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है. देन क्वेश्चन नंबर 21 जो अरेंज करके ऐड करना था, उसमें आपको करना है बी सी ई जी. बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको अपनी रफ नोटबुक पे करना पड़ेगा क्योंकि आपकी बुक में उसके लिए स्पेस नहीं है, तो ये आप अपना रफ नोटबुक में करेंगे. देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23 विच वॉज सब्ट्रैक्ट, उसमें आप करेंगे बी सी डी जी एच आई एल एम एन क्यू आर एस, ठीक है बच्चों.
ये भी आप अपने बुक में कर सकते हैं या रफ नोटबुक में कर सकते हैं। अब 23 जो आपको रफ नोटबुक में करना है, जिसमें अरेंज करके सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें करना है बी डी एफ जी आई। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चों को आज की क्लास में सब समझ आया होगा और आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।